व्यूअर्स नमस्कार, आज मैं आपके लिए लाई हूँ गुलाब जामुन जरा हटके। देखेंगे किस तरह से बनाएंगे। देखिए हम गुलाब जामुन बना रहे हैं जरा हटके। जो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, ये शक्कर ली है मैंने, ये 250 ग्राम शक्कर है और 125 ग्राम मावा है और ये बूरा है नारियल का और ये रोज वाटर है और मैदा लिया है मैंने 25 ग्राम के लगभग और ये मैंने मिश्री ली है। मिश्री लें या ये चिरौंजी दाना आता है पूजा वाला, ये लें या ये ले लें, कोई भी एक लेना है। और चाशनी के लिए पानी चाहिए और तलने के लिए घी चाहिए। हम पहले चाशनी तैयार कर लेते हैं। 70 मिलीलीटर हमको पानी चाहिए और हमको चाशनी बनानी है लगभग एक तार जितनी। एक तार की चाशनी बना लें जब तक हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। ये मैदा और मावे को हमको एक सार करना है अच्छे से। अच्छी तरह मसले हथेली से। इसी तरह से हमको इसमें एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए मावे की। देखिए चाशनी तैयार हो गई, गाढ़ी हो गई है लगभग आधा तार के लगभग। हमको गाढ़ी चाशनी बनानी है बिना तार के। गरम करने रख दिया तलने के लिए। अब हम उसकी गोलियां बना लेते हैं गुलाब जामुन की। और ऐसे स्मूथ डो तैयार करना है हमको और बूरे को एक प्लेट में रख लेना है फैला के। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे, जितना बड़ा भी आपको रखना है गुलाब जामुन उस अनुसार रखें। अब हमने इसके 10-11 पेड़े बना ली हैं। अब हम इसको करके और दो मिश्री के पीस रख देंगे या एक चिरौंजी दाना रख दें और इसको हमें लंबा ही आकार देना है। हम इसको इस तरह से बनाएंगे लंबे आकार में। घी को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम रखना है, ना ज़्यादा तेज हो ना ज़्यादा धीमा हो, नहीं तो गुलाब जामुन जल जाएंगे। इस तरह से हम सारे बना लेते हैं। ये दो तीन रख दें मिश्री के पीस और इसको रोल करें। इसको अंदर रखने से ये है कि अंदर तक मिठास रहेगी। इस तरह से बना लें सारे। हम सारे तैयार कर लेंगे। मापने के लिए देखें गरम इतना होना चाहिए। हम थोड़ा सा डो इसमें डाल के देख लें। ये हो गया, ऊपर आ गया है तल के। तो हमको इतना ही तेज रखना है इसको और हम तल लेंगे इसमें। गुलाबी होने तक हमें तलना। देखिए पलट दे,
पलट के भी अच्छी तरह से सेक लो इसको। अब हम इसको निकालते ही चाशनी में डालना है हमको इसको। चाशनी में डाल दें। इसी तरह हम और सब बना लेंगे। देखिए अच्छे से तलें इसको। इसको झट से पलटें, जल जाएंगे। आंच धीमी ही रखें। देखिए इस तरह से अच्छे से तलें गुलाबी होने तक। हो गए हैं, अब हमें इसको निकाल के और चाशनी में डालना है। चाशनी में थोड़ी देर भीगने देंगे इनको। ये गुलाब जामुन तैयार हैं, अब हम इसको निकालते हैं फिर इसको हम बनाएंगे। कई लोग बूरा नहीं खाते तो वो इस तरह से खा लें। ये देखिए गुलाब जामुन तैयार है, आप चाहे ऐसे भी खा सकती हैं, इसको हम दूसरे तरह से भी बताएंगे। एक चीज़ मैं भूल गई हूँ आपको बताना, रोज़ वाटर मैंने डाल दिया था, आपको दिखाना भूल गई हूँ। चाशनी में ये इसको इस तरह से लपेटेंगे, भूरे में हल्का सा लपेटेंगे, उसकी प्लेटिंग कर देंगे। ये देखिए गुलाब जामुन तैयार है, चाहे आप इस तरह से खाएं या इस तरह से, जैसे आपको पसंद हो। हम एक आपको काट के बता रहे हैं। ये देखिए अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए, ये देखिए सॉफ्ट है, अच्छा। ये लीजिए तैयार है गुलाब जामुन, खाएं, खिलाएं और मौज मनाएं।